हेलो फ्रेंड्स, फिर मैं नया वीडियो लेके आपके लिए तैयार हूँ। ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके वन लाइनर क्वेश्चन। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। भारत के रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? 1853। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? स्क्वाड लीडर राकेश शर्मा। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवान दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगबेली। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? 193। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने देश सदस्य होते हैं? 15। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य होते हैं? 5। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग, हॉलैंड में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? ये नहीं, बानकी मूल नहीं, ये पुराना हो गया। अभी है गुटेरियो। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी भाषण देने पर पहले प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। इनका निधन 16 तारीख को हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए होते हैं? 5 वर्ष के लिए, नहीं 2 वर्ष के लिए। अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ठीक, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश कौन सा है? दक्षिणी सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का इस रुकना बंद नहीं होता? विटामिन के। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। संविधान को किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343। ओलंपिक खेलों का एकल स्पर्धा स्पर्धा जीतने वाले भारतीय एकमात्र भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? 4 वर्षों बाद। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? 4 वर्ष बाद। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? रियो डी जेनेरियो। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मुर्रा। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव बीरेंद्र सिंह ने। सो थैंक्स फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर नया वीडियो लेके हाजिर होऊंगा आपके लिए नए सीरीज से। तब तक के लिए बाय।